ये देखो जी मल्टी कलर है ये, इनकी देखो लीव्स का कलर देखो कितना बढ़िया है। और फंसाने के बाद में इसके ऊपर टेप प्लास्टिक मार दो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनीस सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। और आज का जो वीडियो है वो है प्लूमेरिया के बारे में, जिसे चंपा कहते हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। प्लूमेरिया की बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज आती है और भी कई सारी चीज़ें के बारे में हम बात करने वाले हैं। ग्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे, इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे और कितने एज होती है प्लूमेरिया की और भी कई सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल नॉलेज देने वाले हैं SS भटोटिया जी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको ना एक प्लूमेरिया के बारे में बताता हूँ। आपने प्लूमेरिया की जो ऑर्डिनरी वेराइटी देखी होंगी जो काफ़ी ऊँची चली जाती है, प्लूमेरिया अल्बा है, प्लूमेरिया देसी आती है जिसके नुकीले पत्ते होते हैं, ये वेराइटी है प्लूमेरिया सिंगापोरेंसिस। इसकी खासियत ये है 4 फीट से ऊपर ये जाती नहीं, अगर आप इसको ज़मीन में लगाओगे तो साइड में पूरी ऐसे फैल जाएगी। अच्छा। ये कम से कम भी जैसे इसका स्टेम है उसके 4 फीट इधर चली जाएगी, 4 फीट इधर तक चली जाएगी। काफ़ी मोटे मोटे स्टेम है। हाँ, और ये ना इसके नंबर ऑफ फ्लावर्स, साइज ऑफ फ्लावर्स, ये भी उस ऑर्डिनरी चंपा से ज़्यादा है, ये फ्रेग्रेंट है। अच्छा। और इसकी जैसे 12 सिंगा के सिर पे जो सिंग होता है ना, इसी तरह इसके मल्टी ब्रांच है, इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज भी बहुत ज़्यादा हैं। पत्ते का साइज देखो बिल्कुल छोटा है, 3-4 इंच से ज़्यादा नहीं है। और इसकी बोनसाई भी बहुत अच्छी बनती है जी। बोनसाई भी बन सकती है इसकी? बन सकती है, मेरे पास 3-4 बोनसाई थी, वो बिक गई, नहीं तो मैं आपको दिखाता। और ये ना आप इसको कहीं जैसे माउंड पे है, माउंड पे आप लगा सकते हो। दूसरा, टेरेस गार्डन के लिए बेस्ट प्लांट है जी। टेरेस गार्डन के लिए भी ठीक? हाँ, टेरेस गार्डन में इसको प्लास्टिक पॉट में डाल के रखिए और ये कभी ख़राब नहीं होने वाली, इसकी लाइफ अच्छी है, हार्डी है, पानी दो ना भी दो, 2-4-10 दिन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं फ्लावरिंग की बात करूँ तो फ्लावरिंग कब आती है इस पे? फ्लावरिंग का टाइम तो यही है इसका, समर्स में। समर्स में? हाँ जी, पर ये नवंबर तक चलेगा ये फूल। नवंबर तक फ्लावरिंग हाँ, हाँ। इसमें होती रहती है। और इसमें एक वैरायटी और आती है, ये जैसे ये है प्लूमेरिया पिक्सी, इसका पिंक कलर का फ्लावर है, प्लूमेरिया सिंगापोरेंसिस पिंक इसका नाम है। पर इस हमारे जो दिल्ली रीजन में मैंने ये देखा, इसमें ना ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं इस वैरायटी के, ये प्रॉब्लम है इसमें। देखो जैसे ये है, ये तो थोड़ा कम है इस साल, नहीं तो ये पूरा पत्ता काला हो जाता। अच्छा। इस वैरायटी में नहीं आती। अच्छा, इसमें नहीं आती है, इसमें आ जाती। हाँ, और ये स्लो ग्रोइंग है जी, आप विश्वास नहीं करोगे, ये 16-17 साल पुराना पेड़ है जी ये। अच्छा। हाँ जी, लोबा कहते हैं जी ये, इसकी प्राइस है जी जैसे 21 इंच के जो गमला है हम इसको 3,000 रुपये में देते हैं, लोबा कहते हैं बहुत महंगी है। मैं कहता जी मैं 3,000 से ज़्यादा का इसको पानी पिला चुका हूँ जी मैं। और आपको ये कहीं नहीं मिलेगी ये आंध्रा। हाँ जी, ये ना जी आंध्रा में तो है ये, पर जब आंध्रा से दिल्ली लेके आओगे तो आपकी गाड़ी में ये 10-15-20 पेड़ आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो पेड़ से ज़्यादा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। और इसकी प्रोपोगेशन भी कटिंग से होती है, फरवरी में आप इसकी कटिंग से बना सकते हो पेड़। पर इस तरह का इस साइज में आने को इसको कम से कम 15 साल लगेंगे जी इसको बनने में। बहुत पुराना पेड़ हो गया। हाँ जी, ये काफ़ी पुराने पेड़ है। और बहुत से लोग बाग यहाँ मेरे पास अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट भी आते हैं, वो कहते हैं जी प्लूमेरिया अल्बा है, पर मैं उनको कहता हूँ सिंगापोरेंसिस, वो पढ़े लिखे होके भी समझने की कोशिश ही नहीं करते। मैं कहता हूँ ये स्पीसी अलग है, पर वो मानते नहीं जी। मानते नहीं नहीं, अल्बा है, अल्बा का जी 250-300 रुपये में पेड़ मिल जाता है, आप तो लूट रहे हो। वो भैया लूट रहे हो तो पर मैं नहीं दूंगा। इसका भी ये देख, मैं ये देख रहा था कि हाँ? इसका जो स्टेम है, ये स्टेम के ऊपर जब ये ब्रांचेस बने हुए हैं। हाँ जी, ये ब्रांचेस कितने मोटे मोटे से हैं पूरे? हाँ, ये मोटे हैं, ये सिकली ये धीरे धीरे बढ़ती हैं जी, ये ऐसा नहीं है कि फास्ट है इसमें। जैसे ये जो जैसे इस ब्रांच की साइज देखो कितना छोटा है। हाँ। दूसरे में आपको 2-2 फीट की ब्रांच मिलेंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछने जा रहा था कि ये जो आप बता रहे थे कि रेड स्पॉट्स या ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, ये पिक्सी में आते हैं, इसमें नहीं आते जी, ये ग्राफ्ट में। ये अच्छी बात है या गलत है? नहीं, ये तो डिजीज है जी, ये डिजीज है। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, ये डिजीज है, ये डिजीज है। अगर ऐसा हो तो प्लांट ना बाय करें आप? नहीं नहीं, हाँ इसमें इस वैरायटी बहुत अच्छी है ये भी। हाँ। पर इसमें प्रॉब्लम ये है, हमारे नॉर्थ में आती है, इस साल तो कम है। हाँ। कई बार तो पूरा पत्ता खराब हो, इसमें नहीं आता है बिल्कुल भी। अच्छा, स्पॉट नहीं आता ये नॉन ग्राफ्टेड ही चलती है, इसको आप ग्राफ्ट कर दोगे तो ये नहीं चलेगी। और देखो जी, आपको प्लूमेरियाज की भी है मेरे पास 10-15 मेरे पास है वैरायटी, वैरायटी है जी प्लूमेरिया की। ये उससे प्लूमेरिया जो देसी वैरायटी है या लाल वाली, उसी से पत्ते तो उसी से मिलते जुलते हैं। हाँ। तो मेरे को भी इसका बारे में कुछ पता नहीं था, मेरे को भी ये ध्यान नहीं कहाँ से आई है। अच्छा। पर ये वैरायटी अलग है एक्चुअली, मैंने एक बार ऐसे
कहीं से मैंने कटिंग मंगाई थी तो उसमें आया। देखो जी ये वाला इसका फ्लावरिंग देखो जी, ये नीचे से फ्लावरिंग पर्पल है और ऊपर है। तो बहुत ही ज्यादा तो सुंदर पहले है। तो मैं इसको देसी समझ रहा था लेकिन ये देसी नहीं है ये, तो ये एक वैरायटी अलग है। और दिखाता हूँ आपको, ये रूबरा है जी, रूबरा। इसमें रेड फ्लावर्स आते हैं। इसमें एक वैरायटी और आती है जो इसका फ्लावर नीचे की तरफ ड्रूप करता था पूरा, वो मेरे पास है नहीं, पर उस वो वैरायटी में लेके आया था। वो भी ससेप्टेबल है, उसमें भी डिजीज आती है, लेकिन इसमें नहीं आती डिजीज। इसमें डिजीज नहीं हाँ आती। जी। और एक देखो जी, एक इसी से एक वैरायटी और है देखो ये। इसका एक्चुअली अभी तो ज़्यादा गर्मी की वजह से फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं, जैसे बारिश शुरू होगी फ्लावरिंग देखना जी। ये देखो जी मल्टी कलर है, ये मल्टी कलर वैरायटी है। ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये भी ना बहुत रेयर वैरायटी है। एक मेरे पास वैरायटी है स्टेनोपिटेला, प्लूमेरिया स्टेनोपिटेला, अच्छा ये वाले देखो जी। अच्छा ये वाले ना जी, हाँ ये हाँ भी फ्रेग्रेंट है। समय प्रेग्नेंट है। हाँ ये देखो जबरदस्त फ्रेग्रेंस है जी, इसमें तो सबसे ज़्यादा फ्रेग्रेंस है हाँ ये प्लूमेरिया स्टेनोपिटेला है। ये ग्राफ्टिंग पे ही अच्छी चलती है। अच्छा, एक ये प्लूमेरिया पूडिका है जी, ये हाँ ग्राफ्टिंग की हुई है इसके। ग्राफ्ट करें जी ये चंपा अच्छा देसी पे। ये प्लूमेरिया वो है, ये एक्चुअली इतना हेल्दी पेड़ तो नहीं है मेरे, पर ये वैरायटी भी दिखा देता हूँ आपको, नंबर ऑफ वैरायटीज में बताई जाएगा। ये देखो जी, ये है प्लूमेरिया पूडिका। हाँ पुडी का तो जी। काफी अच्छे और हैं, देखो ब्लू आपको व्हाइट और कलर के। दिखाता हूँ, मेरे पास तो कई वैरायटी हैं इसकी। अच्छा जी, ये सारे ना प्लूमेरिया वो हैं जी रेड, अच्छा ये प्लूमेरिया रेड, ना जी प्लूमेरिया रेड। ये इनके साइजेस थोड़ा छोटे हैं। ये हम आपको ना 100 रुपये में देते हैं ये। ये 100 रुपीज़ के हाँ हैं। जी, 100 रुपीज़ में कोई नहीं देगा आपको जी ये रेड वाली। और एक देखो जी, एक हाँ वैरायटी ये रही छोटी, देखो जी ये अलग, ये देखो जी इसमें अंदर से येलो है फॉर्मेशन लीव्स की ना। और डबल शेड्स में भी मुझे देख रहे हैं, जैसे कि ये व्हाइट एंड हाँ रेड हाँ ग्रे हाँ के ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली में, ये देखो जी, येलो और व्हाइट ये का फ्लावर कॉम्बिनेशन। देखो जी ये वाला इसका ना, हाँ ये देख रहे हो जी इसमें, ये देखो। रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है इसमें। हाँ हाँ एक्चुअली ये इस टाइम पे ना गर्मी की वजह से इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो गई, अभी बरसात शुरू होते फिर। ये वहाँ मुझे दिख रहा है येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये येलो एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। हाँ हाँ ये रहा हाँ ये वाला जो मैं दिखा रहा था ना वो, एक तो हाँ छोटी, ये हाँ देखो जी ये वाली वेराइटी अलग है। ये आप बहुत ऑरेंजीज है जी। अच्छा। और ये जो मैंने कटिंग लगाई थी, ये इस साइज की कटिंग थी, मुश्किल से 5 या 6 इंच की। अच्छा ये 3 साल में ये ग्रोथ हुई है, 3 साल की ग्रोथ है ये। या 3 साल की ग्रोथ है जी। अच्छा और और इस, फीडिंग भी हमारे, हाँ अगर इसको किसी ने ग्रोथ इसकी बढ़ानी है हाँ तो इसको सॉइल में लगाओ। सॉइल में। सॉइल वो नहीं होनी चाहिए सैंडी, जहाँ उसकी अर्थ जो है ना, अर्थ बॉल अच्छी बन जाए, जमीन से निकालना चाहो ठीक है तो उसमें ज़मीन में ग्रो करके भी इसको शिफ्ट में कर सकते, शिफ्ट कर सकते हो, अच्छा। तो जो उससे थोड़ी फास्ट ग्रोथ हो जाएगी। और इसको आप शिफ्ट कर सकते हो ज़मीन से ऊपर। क्या प्राइसिंग क्या होती है इसकी? ये वाले तो जी हम 200 रुपये का दे रहे हैं जी, ये 200 रुपीज़ के ये हैं, 3 साल पुराने पेड़ हैं जो। 3 साल पुराने। ये पिक्सी है ये हम दे रहे हैं जी, ये जैसे ये फुल ग्रोन है ना जी, हाँ ये 300 रुपये की दे देते हैं जी। तो काफ़ी अच्छी हाँ फ्लावरिंग हाँ हो जी रही हाँ। है। ये जो पिक्सी वाली है इसको नॉन ग्राफ्टेड कभी भी ट्राई मत करना, ये चलेगी नहीं, ये ग्राफ्टिंग में ही चलती है। ग्राफ्टिंग में ही चलती है और ये। एक आपको और दिखाता हूँ जी, वेरीगेटेड चंपा और है मेरे पास। वैरायटी है जी प्लूमेरिया माया बोलते हैं जिसको, वेरीगेटेड है ये वेरीगेटेड है प्लूमेरिया माया। ये, मैंने नहीं देखा अभी तक कहीं हाँ भी जी। और इसमें वेरीगेटेड ना इतना सुंदर फूल आता है पिंक कलर का, पर वैरायटी। हमारे दिल्ली में कम ही आते हैं फ्लावरिंग इसकी, तो अच्छा इसे अंदर इसकी फोलियज की ब्यूटी है। हाँ और देखो इनकी, देखो लीव्स का कलर देखो कितना बढ़िया है, ये देखो जी ये। वेरीगेटेड वैरायटी हाँ बड़ी और प्यारी इनको है। ना जी आप यहाँ पे भी ग्राफ्ट कर सकते हो इन्हें। ये अभी ना हाँ ये फरवरी इज़ द बेस्ट टाइम टू ग्राफ्ट। ग्राफ्ट दिस प्लांट ना, हाँ तो इसमें बड़ा सिंपल है जी। आप इसमें वी शेप का कट मारिए ठीक है ठीक उसमें देसी वाली में, है। और ये ऊपर से जो भी वैरायटी है इसको, इसका ऊपर ऊपर की तरफ हो और इसका नीचे की तरफ हो भी, ठीक तो है इसमें उल्टा भी और जिसमें ग्राफ्ट करनी है उसमें सीधा भी, ठीक है। और इसके अंदर फंसा दो, और फंसाने के बाद में इसके ऊपर टेप प्लास्टिक मार दो, ऐसे बांध अच्छा दो जी। क्या बात ये है। एक कुछ 15 1 महीने के बाद में ये इसमें सेट हो जाएगा, उसके बाद में प्लास्टिक हटा देना चाहिए। जैसे ये मैंने हटाया नहीं है तो इसलिए इसे अगर नहीं हटाओगे तो ग्रोथ कम हो जाएगी। फिर उसके बाद में इसको अनरैप कर दो इस प्लास्टिक को, ये देखो जी ये 1 महीने में ये सेट हो जाएगा। ये पिछले साल करा था जी मैंने ग्राफ्ट, ये 1 साल पुराने पेड़ हैं ये। और चल गए हैं बहुत अच्छे। हाँ हाँ बढ़िया जी। ये देखो ये प्लूमेरिया पिक्सी ग्राफ्ट करी हुई है, अच्छा प्लूमेरिया पिक्सी और ये वेरीगेटेड और प्लूमेरिया स्टेनोपिटेला और प्लूमेरिया पूडी का, ये ग्राफ्टिंग में बहुत अच्छी चलती है। बहुत अच्छी चल सकती प्लूमेरिया पिक्सी, है। प्लूमेरिया सिंगापोरेंसिस पिंक,
प्लूमेरिया माया, प्लूमेरिया स्टेनोपिटेला और प्लूमेरिया पूडिका। पूडिका, हाँ जी, पूडिका भी मैंने देखा जनरली लोग अब नॉन ग्राफ्टेड यूज करते हैं। अगर आप उसको ग्राफ्ट करोगे फिर उसका फ्लावर साइज और वो देखना, नंबर ऑफ फ्लावर्स देखना प्लांट पे। अच्छा, हाँ जी, तो ये तो ना ये भी एक साल पुराना पेड़ है जी, लास्ट ईयर फरवरी में करी थी। इस साल मेरे को देसी वाली चंपा ही नहीं मिली।